गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो वी आर अगेन विथ आवर टॉपिक. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस आईसीटी. द वीडियो सीरीज वी हैव स्टार्टेड स्पेशल फॉर द फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ लॉकडाउन. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक. विल फिनिश आवर कंप्लीट सिलेबस आफ्टर दिस टॉपिक. ओके. सो आवर टुडेज टॉपिक इज नथिंग बट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम. Before that, we have discussed what is expert system. Expert system is nothing but a computerized software where all the information is already fed into the system. According to the given input, it will recognize what must be the solution. But all the information, whatever we have saved on the system, that information is nothing but stored on the secondary storage devices. That is a database. So our main topic related is a database where we save the various types of information, okay, which we can capture with the help of geographical information system. Okay, so agriculture expert system is nothing but what exactly it is. Look everyone, expert system is a group of software that is developed for selected region of domain intended to recommend it clarification of solution to the issues in the same way as a consultant belonging to this field would solve the problems. तो expert system एक group of software होता है जिसको बनाया जाता है selected region के लिए, domain मतलब particular area के लिए, जिसका intention रहता है, जो recommended रहता है, clarification और solution देता है हमें किसी issue का, same way से वो हमें consult भी करता है उसी फील्ड से रिलेटेड जिस फील्ड के बारे में हम उसे प्रॉब्लम दे रहे हैं. तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम को हम एक प्रॉब्लम देते हैं, वो उसे हमें सॉल्व करके देता है. ओके. सो एक्सपर्ट सिस्टम आर ऑफन यूज एज एन इफेक्टिव टूल. तो वो एक टूल है, एक हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. फॉर नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन, हम अपने नॉलेज को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव रख सकते हैं. एक्सपर्ट सिस्टम हमारे एक्सपीरियंस को स्टोर रखता है और पुराने एक्सपीरियंस से नई चीज़ें करवाता है. शेयरिंग एंड ट्रांसफ़र, हम शेयर और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. मल्टी एजेंट, एक से ज़्यादा चीज़ों के थ्रू हम उसे कैरी आउट कर सकते हैं. एंड फजी लॉजिक, फजी इज़ नथिंग बट मेनी लॉजिक विदाउट एनी क्ल्यू. देर इज़ अ लॉजिक, दैट इज़ अ फजी लॉजिक बेस्ड मेथडोलॉजी. तो बिना किसी क्ल्यू के भी ये आपको लॉजिक देता है. आर यूज बाय टुडेज एक्सपर्ट सिस्टम. तो आज का एक्सपर्ट सिस्टम फजी लॉजिक यूज़ करता है, मल्टी एजेंट यूज़ करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. लेकिन ये सारी चीज़ें हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड. वैसे एक्सपर्ट सिस्टम हर एक चीज़ में होता है. ओके. हम पढ़ रहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड. एन एक्सपर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. यहाँ से सिस्टमैटिक डेफिनेशन हमारे वे से स्टार्ट होती है. एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट, सिमुलेट मतलब एक्टिव करना, द जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस. तो एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक्टिव करता है जजमेंट को और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड. सपोज आप एक टेक्निकल खेती कर रहे हो तो आपको उस टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. तो वो एक्सपर्ट सिस्टम आपको मदद करता है. एक्सपर्ट सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो जजमेंट देता है, सिमुलेट करता है ह्यूमन के बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके पास एक्सपर्ट नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड. तो एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सिमुलेट मतलब रन करता है, किसी के जजमेंट को लेता है, किसके हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के या तो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के, दैट हैज एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड. तो जैसे कोई इंसान काम करता है वैसे कंप्यूटर काम करता है, क्योंकि उस कंप्यूटर को एक इंसान ने ही बनाया, खुद का नॉलेज कंप्यूटर में भर दिया प्रोग्राम के फॉर्म में. अब वो कंप्यूटर हरदम वर्क करता है. जैसे एटीएम मशीन को एक बार डिज़ाइन कर दिया गया तो एटीएम मशीन के सामने जरूरी नहीं है कोई विड्रॉ करने के लिए बैंक का आदमी आपके सामने खड़ा रहेगा. आप एटीएम मशीन को इंस्ट्रक्शन दो, वो आपको आउटपुट देगा. तो वैसे ही एग्रीकल्चर फील्ड में भी ऐसे बहुत कंप्यूटराइज सिस्टम्स और मशीनरीज होती है फार्मिंग के लिए, जिनको सिर्फ एक कोई एक्सपर्ट के थ्रू इंस्ट्रक्शंस भरे जाते हैं. आप फार्मिंग करने वाला फार्मर उसका यूज़ कर सकता है, तो उसको एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं. इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इमुलेट्स द इंटरैक्शन अ यूज़र माइट हैव विद अ ह्यूमन एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम.
ये एक प्रोग्राम है जो इम्युलेट करता है, इम्युलेट का मतलब भी एक्टिव करना होता है, सिम्युलेट इम्युलेट, इम्युलेट हार्डवेयर के लिए यूज़ होता है, सिम्युलेट सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर को एक्टिव करना मतलब सिम्युलेट, हार्डवेयर को एक्टिव करना मतलब इम्युलेट, क्योंकि जो भी खेती करने के लिए मशीनरीज होती है वो हार्डवेयर होते हैं ना, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाया जाता है उनको। तो इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इम्युलेट द इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन करवाता है, एक्सपर्ट सिस्टम एक प्रोग्राम है जो इंटरेक्शन करवाता है यूज़र माइट हैव विद अ ह्यूमन एक्सपर्ट। जो फार्मर है वो ह्यूमन एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, ह्यूमन मतलब फार्मर, लेकिन वो एक्सपर्ट कौन है? वो एक्सपर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू वो अपना काम कर रहा है। जैसे देखो ना, आपको भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो किसी टीचर की मदद से पढ़ते हो, वैसे ही फार्मर को जब फार्मिंग करनी है तो वो एक्सपर्ट सिस्टम की मदद से फार्मिंग करता है, उसके मशीनरीज को मूव करता है, ड्राइव करता है। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट इम्युलेट द इंटरेक्शन अ यूजर माइट हैव विद अ ह्यूमन एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक्सपर्ट सिस्टम इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम। सिंपल लाइन का मीनिंग है, एक्सपर्ट सिस्टम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन नॉलेज। मैंने बोला ना ऑलरेडी, इसके डेटाबेस में सारी चीज़ें भरी जाती है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ इट्स टास्क एंड लॉजिकल रूल्स। उसके अंदर जो टास्क भर के रखे हैं, वर्क भर के रखे हैं, रूल्स भर के रखे हैं और प्रोसीजर, प्रोसीजर इज नथिंग बट प्रोग्राम, जो उसके अंदर प्रोग्राम्स भर के रखे फॉर यूजिंग नॉलेज। बोथ द नॉलेज एंड द लॉजिक आर कम्बाइंड, फिर वो नॉलेज और लॉजिक को कम्बाइन करता है। नॉलेज मतलब एक्सपीरियंस, लॉजिक मतलब टेक्निक, दोनों को कम्बाइन करता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट इन द एरिया। तो जो भी एरिया में स्पेशलिस्ट होता है उसके एक्सपीरियंस से और उसके नॉलेज से कंबाइन करता है उन चीज़ों को और सॉल्व करने जाता है प्रॉब्लम को। तो एक्सपर्ट सिस्टम का काम होता है एग्रीकल्चर के चीज़ों को सॉल्व करवाना, फार्मर की हेल्प करना। कंप्यूटराइज सिस्टम, मेट्रो सिटीज़ में सारे फार्मिंग होते हैं ना, कंप्यूटराइज बेस मशीनरीज होती है, वहाँ ट्रैक्टर भी कंप्यूटराइज वे से चलता है, कितनी देर उसे खेत को जोतना है सब कुछ चलता है, तो वहाँ यूज़ होता है एक्सपर्ट सिस्टम। यहाँ भी हमारे कंट्री में भी मेट्रो सिटीज़ में यूज़ होती है बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो एक्सपर्ट सिस्टम आज कंप्यूटर प्रोग्राम आर एक्सपर्ट सिस्टम्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल कंप्यूटर प्रोग्राम। जो नॉर्मल कंप्यूटर के प्रोग्राम है उनसे थोड़े अलग होते हैं भाई, एज दे सॉल्व द प्रॉब्लम बाय मिमिकिंग ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस। ह्यूमन जो बोलता है, जैसे मिमिक्री बोलते हैं ह्यूमन के, एज दे सॉल्व द प्रॉब्लम बाय मिमिकिंग ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस। ह्यूमन के सोचने के प्रोसेस को रिपीट करके, रिलेइंग ऑन लॉजिक, लॉजिक के बेस पे बिलीफ रूल्स ऑफ थर्म्स ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। इन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिसिप्लिन्स। किसी के डिसिप्लिन को हम कंबाइन कर सकते हैं, डिसिप्लिन मतलब रूल्स, सच एज प्लांट पैथोलॉजी, एंड प्लांट पैथोलॉजी इज नथिंग बट वनस्पति विज्ञान बोलते जिसको हम, वनस्पति रोग विज्ञान बोलते हम जिसको, पैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी। सो वनस्पति रोग विज्ञान, उसके बारे में जानकारी लेना। देन उसके बाद एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इज नथिंग बट कीट विज्ञान, कीड़े रहते ना जो पेड़ों पे लग जाते उनके विज्ञान को समझने के लिए। देन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, जैसे फूलों के बगीचे होते हैं ना, बागवानी। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब होता है वनस्पति, ओके, वनस्पति रोग विज्ञान। और एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, है ना, बागवानी। हॉर्टिकल्चर इज नथिंग बट बागवानी। एंड एग्रीकल्चरर मीटियोरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी इज नथिंग बट अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में हमने पढ़ा था जियोग्राफिकल सिस्टम, जो अंतरिक्ष से फोटोज लेता है, इनटू अ फ्रेमवर्क दैट बेस्ट एड्रेस द टाइप ऑफ एडॉक डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड। एडॉक मतलब टेम्प्रेरी, टेम्प्रेरी डिसीजन लेते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से, फिर वो पैथोलॉजी हो, एंटोमोलॉजी हो, हॉर्टिकल्चर हो, हर जगह यूज होता है। मॉडर्न फार्मर्स, तो आज के मॉडर्न फार्मर्स वनस्पति विज्ञान हो गया, कीट विज्ञान हो गया, बागवानी करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सो ऑफ इंडिविजुअल डिसिप्लिन सच एज प्लांट पैथोलॉजी हो, या किसी की खुद की प्लांट पैथोलॉजी हो, एंटोमोलॉजी हो, हॉर्टिकल्चर हो, बागवानी हो, एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी, एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान, इन सारी चीज़ों के लिए इस फ्रेमवर्क को यूज़ किया जाता है, दैट बेस्ट एड्रेस द टाइप ऑफ टेम्प्ररी डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न फार्मर्स। एक्सपर्ट सिस्टम कैन बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल फॉर अकम्प्लिश द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग, बेस्ट टूल है बोलते ग्रोवर्स विथ अ डे टू डे इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट।
तो आज के दिन ब दिन ये सिस्टम बढ़ रहा है सपोर्ट करने के लिए, नीडेड टू ग्रो देयर क्रॉप्स, हमारी फसल को उपजाऊ और आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम इन सारी चीज़ों की मदद से डिसीजन देता है। तो भाई वनस्पति विज्ञान से, कीट विज्ञान से, बागवानी से, अंतरिक्ष विज्ञान, इन सभी के कॉम्बिनेशन से एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्टाइज करता है, फार्मर को डिसीजन देता है। फिर चाहे किसी इंडिविजुअल की वनस्पति विज्ञान हो, रोग विज्ञान हो, कीटनाशक विज्ञान हो, बागवानी हो, सब में वो एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू है फार्मर। तो कंप्यूटराइज सिस्टम हेल्प द फार्मर्स, दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट सिस्टम। वेरी सिंपल वे वी कैन समराइज, अ कंप्यूटराइज सिस्टम कैन हेल्प द फार्मर टू वर्क देयर फार्मिंग वेरी इफिशियंटली, दैट सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम। सॉफ्टवेयर को रन करना सिमुलेशन, हार्डवेयर को रन करना एमुलेशन। और अवर सेम रिलेटेड टॉपिक सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम SIS बोलते हैं। द सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द ट्रिम्बल, रजिस्टर्ड नेम है ये इसका ट्रिम्बल। कनेक्टेड फार्म सॉल्यूशन इज एन इंडस्ट्री लीडिंग सॉइल मैपिंग टेक्नोलॉजी। तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाली सॉइल मैपिंग टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने वाली सॉइल मैपिंग टेक्नोलॉजी है, दैट यूजेज द एडवांस्ड सेंसर्स। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स यूज किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड टारगेटिंग एंड जियो प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स। जिस टारगेट को आपको चेक करना है उसको कंबाइन करके जियो प्रोसेसिंग एल्गोरिदम की मदद से, जियो प्रोसेसिंग एल्गोरिदम मतलब भूस्थानिक, टू प्रोड्यूस द हाई रिजोल्यूशन एक्यूरेट सॉइल, बराबर सॉइल का मेजरमेंट देता है। एंड टोपोग्राफिक, टोपोग्राफिक इज नथिंग बट जिसको हम बोलते हैं बेटा एरिया ऑफ स्टडी, टोपोग्राफी इज नथिंग बट एरिया ऑफ स्टडी। सो टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन टारगेटिंग जियो प्रोसेसिंग एल्गोरिदम टू प्रोड्यूस द हाई रिजोल्यूशन एक्यूरेट सॉइल एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन बाई प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल के फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग हाउ input move through the soil. The soil information system enable farmers, trusted advisors to implement more effective solutions to resolve the unique challenges of each area of their field. तो भाई farmer के लिए उसके हर एक field के लिए एक challenge होता है कि वो कैसे किस मिट्टी को उर्वरक बनाएगा, मतलब उपजाऊ बनाएगा, तो उसके पास बहुत सारे challenges होते हैं। तो ये soil information system मदद करता है farmer को, including how the input move through the soil and soil information system enable the farmers, trusted advisors, जो advisors होते हैं farmers के, उनको हमारा soil information system to implement more effective solution, अच्छे तरीके से हम solve कर सके, to resolve the unique challenge of each area of the field. हर एक area में बहुत सारे challenges होते हैं, उनको solve करने के लिए soil information system use होता है। तो soil information system में क्या क्या होता है देखो बेटा, सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम जब हमें द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू मेक क्रिटिकल फार्म मैनेजमेंट, किसी फार्म को मैनेज करना है, खेती को मैनेज करना है, है ना, डिसीजन विथ इरिगेशन, इरिगेशन इज नथिंग बट सिंचाई, हमें सिंचाई कब करनी चाहिए सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिकेट करेगा। ओके, देन उसके बाद ड्रेनेज, ड्रेनेज को बोलते हैं हम जल निकाय, जल निकास बोलते हैं हम जिसको, है ना, तो सिंचाई कब करना, जल का निकास कब करना, पानी को कब तक ठहरने देना, पानी को कब तक आगे चले जाने देना। एंड फर्टिलिटी, उपजाऊ, कि हमारी ज़मीन उपजाऊ है कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है। तो इरिगेशन, सिंचाई, ओके, ड्रेनेज, जल निकास बोलते हैं हम जिसको, फर्टिलिटी, उपजाऊपन। तो सिंचाई, जल निकास, उपजाऊपन, ये सारी जानकारी हमें सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर, उसी सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम को और आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एबिलिटी टू असेस द डिटेल्ड सॉइल प्रॉपर्टीज। बहुत सिस्टमैटिक वे से हमने बोला इसे, सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम की एबिलिटी होती है जो हमें असेस करता है, असेस मतलब मदद करता है डिटेल्ड सॉइल प्रॉपर्टीज बताने में फॉर ईच फील्ड, सच एज सॉइल का टेक्स्चर, सॉइल के भी टेक्सचर्स होते हैं, जरूरी नहीं कपड़ों के टेक्सचर्स होंगे, है ना, सॉइल का भी टेक्सचर्स होता है, उसके हिसाब से उसकी हम क्या बता सकते हैं, फर्टिलिटी बता सकते हैं, उपजाऊपन बता सकते हैं। द फॉर
एबिलिटी टू असेस द डिटेल सॉइल प्रॉपर्टीज, तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम की एबिलिटी होती है जो हमें मदद करता है ये बताने के लिए कि डिटेल्ड सॉइल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइक सॉइल टेक्सचर, कॉम्पैक्शन, है ना, कितनी तरीके से वो मिट्टी किस जम सकती है और सूख सकती है, रूट जोन डेप्थ, पेड़ों की रूट की डेप्थ कितनी होगी, मॉइस्चर रिटेंशन. मॉइस्चर रिटेंशन इज नथिंग बट जिसको हम बोलते हैं नमी प्रतिधारण, वो कितनी नमी को सोख सकता है, है ना, मॉइस्चर रिटेंशन एंड अवेबिलिटी एंड सॉइल फर्टिलिटी. तो सॉइल की फर्टिलिटी, मॉइस्चर, रूट की गहराई, सॉइल का टेक्सचर, ये सारी जानकारी हमें देता है सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम. और ये कंप्यूटराइज होता है, इसलिए व्यू द सॉइल एनालिसिस ऑफ टॉप 4 feet ऑफ द फील्ड सरफेस इन 3D. तो हम 3D फॉर्म में देख सकते हैं उसको, सॉइल्स के अंदर ऐसे टेक्सचर्स के फॉर्म में. तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है. आउटपुट सॉइल केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सॉइल के अंदर कौन से केमिकल है, कौन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उन सबको मैच किया जाता है. मैप्स दैट आर हाईली एक्यूरेट विद द 2 meter मैनेजमेंट लेवल. डाउनलोड सॉइल मैप्स इनटू योर फॉर्म मैनेजमेंट. डाउनलोड सॉइल मैप्स इनटू योर फॉर्म मैनेजमेंट, आपके फॉर्म को मैनेज करने के लिए सॉइल मैनेजमेंट का मैप यूज करके और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म वर्क सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर का नाम है फॉर्म वर्क सॉफ्टवेयर. इसकी मदद से सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें सारी जानकारी देता है और मैच करता है सॉल्यूशंस और अदर थर्ड पार्टी सिस्टम. तो बहुत थर्ड पार्टी सिस्टम के भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी मदद से हम सॉइल को मैनेज कर सकते हैं. तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम सफर इसके प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. ओके, सफर नहीं बोल रहे हम, सफर तो करेंगे ही, वो अभी क्या बोल रहे हैं, ऐसा है सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्फर. It is a name. Soil information system is nothing but a surfer. Surfer is nothing but हर किसी computerized system को problem तो होता ही है, लेकिन this is not a problem about. I was saying surfer, लेकिन it is a surfer. S-I-S, surfer. Okay. So soil information system surfer is an electroconductivity or electromagnetic geophysical sensing system. तो नाम है. Soil information system का general discussion देखा, ये example ले रहे हम. Surfer. तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्फर इज एन इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियोफिजिकल सेंसिंग सिस्टम होता है. जियोफिजिकल सिस्टम इज नथिंग बट जिसको भूस्थानिक फिजिकल चीज़ों को ऑब्जर्व करना, जमीन से रिलेटेड चीज़ों को सेंस करना, है ना. यूज टू कंडक्ट अ कंडक्टिविटी सर्वे ऑफ सॉइल, सॉइल की कंडक्टिविटी, उसके अंदर से कैसे केमिकल, उसके अंदर के आयरन, जिंक, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे फ्लो हो सकते हैं जमीन में से, उसके बारे में सारी जानकारी देता है. इसीलिए इसको बोला है सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्फर. तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियो फिजिकल सेंसिंग सिस्टम होता है दैट इज यूज टू कंडक्ट अ कंडक्टिविटी सर्वे ऑफ अ सॉइल. सॉइल की कंडक्टिविटी का सर्वे करते हम. द सर्फर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ECEM. ECE इज इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, EM इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टिविटी डिवाइस. हाउस्ड, हाउस मतलब कंबाइन, इनसाइड अ स्लेड दैट इज कनेक्टेड टू एन ATV, दैट इज कनेक्टेड टू ATV. ATV का फुल फॉर्म है ऑल टेरेंस व्हीकल्स. ऑल टेरेंस व्हीकल, ये जो मशीनरीज आती है ना जो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जिनको तो हम ऐसे गावरानी वे से बोले तो हम उनको हल बोलते हैं, है ना, बैलों के साथ हल होता है, लेकिन ऐसे बहुत अलग अलग मशीनरीज आते हैं, ट्रैक्टर्स आते हैं, उसको बोलते बेटा ऑल टेरेंस व्हीकल्स. तो ऑल ATV, ऑल टेरेन व्हीकल्स और सिमिलर व्हीकल्स, अ गाइडेंस डिस्प्ले टू प्रोवाइड अ पैरेलल स्वैथिंग इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेटर. तो आज के जैसे JCP मशीन आता है, तो वो आज पूरी JCP मशीन एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल होता है. एंड UMA 2 रजलाइज्ड टैबलेट दैट इज लोडेड विद द सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा एनालिसिस एक्विजिशन सॉफ्टवेयर. तो उन मशीनरीज के अंदर पहले से ही सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेटा एनालिसिस होती है और एक्विजिशन. डेटा एनालिसिस इज नथिंग बट ऑलरेडी डेटा होता है हर एक सॉइल के टाइप का, उसको कंपेयर करता है तो बताता है कि ये इस टाइप का है, जैसे हमारा एक्सपर्ट सिस्टम. एंड एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, और नई सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी एक्वायर करता है, मैच करता है पुराने के साथ. तो इन मशीन्स के अंदर, AVT व्हीकल्स के अंदर जो हम मशीनरीज यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, उनके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम ऑलरेडी होता है विद द सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा एनालिसिस एंड इक्वेशन सॉफ्टवेयर, जिसको DAAS बोला है. तो DAAS इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस इक्वेशन सॉफ्टवेयर.
SIS diver, the SIS diver is a geophysical pushing system. जैसे वो मशीनरी इसमें पुशिंग सिस्टम होता है ना, जो सॉइल को प्रेशर देके अंदर दबाता है फिर बाहर खींचता है, है ना, फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए हम चलाते हैं, जिसको हम हल जोतना बोलते हैं हिंदी में, लेकिन वो सारा कंप्यूटराइज होता है। हल जोतना, हम जैसे सिंचाई करते हैं ना, वैसा ही ये सिस्टम कंप्यूटराइज, लोडेड विद द सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा एनालिसिस एक्यूशन सॉफ्टवेयर। तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम डाइवर इस जियो फिजिकल पुशिंग सिस्टम होता है। जियो फिजिकल मतलब जियोग्राफिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है, वो धक्का देता है। पुशिंग सिस्टम यूज फॉर बोथ सॉइल प्रोबिंग। सॉइल प्रोबिंग इज नथिंग बट सॉइल की जांच करने के लिए, मिट्टी की जांच करने के लिए, क्योंकि कभी भी हम कहाँ पे पेड़ लगाने जाएंगे तो मिट्टी की उर्वरता को हम चेक करते हैं, उसकी फर्टिलिटी चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा बीज उग सकता है कि नहीं सकता है। तो ये मशीनरीज के थ्रू सॉइल का परीक्षण किया जाता है, निर्वेक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमें हर एक सॉइल की इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो मशीनरीज यूज़ किए जाते हैं, उन मशीनरीज को हमने बोला था ओके ATV। ATV इज नथिंग बट ऑल टेरेंस व्हीकल्स। तो डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स होते हैं। द सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम डाइवर्स इज जियोफिजिकल पुशिंग सिस्टम होता है, यूज फॉर बोथ सॉइल प्रोबिंग। सॉइल के प्रोबिंग इज नथिंग बट, प्रोबिंग का मीनिंग होता है जांच करना, सॉइल को जांच करना, एंड फिजिकल सॉइल कोर सैम्पलिंग, उस फिजिकल के कोर सैंपल्स लेना। सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम डाइवर इज अवेलेबल फॉर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स माउंटिंग टाइप्स। अलग अलग व्हीकल्स में अलग अलग से अलग तरीके से माउंट होता है बेस ऑन फील्ड रिक्वायरमेंट। जिस तरीके की फील्ड होंगी उस तरीके की मशीनरीज होती है। जैसे JCP भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, छोटे एरिया तो छोटा JCP, बड़ी एरिया तो बड़ा JCP। वैसे ही एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग व्हीकल्स पे अलग अलग तरीके से सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम माउंटेड होता है। द सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम डाइवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलिक पुशिंग, जो ऑटोमेटिक पुश करता है हमें धक्के से नहीं, JCP को हम खुद थोड़ी धक्का देता है। मशीनरीज पेट्रोल के थ्रू गाड़ी चलती है तो धक्का मिलता है, वैसे ये मशीनरीज सॉइल को चेक करने के लिए हाइड्रोलिक पुशिंग सिस्टम होता है। सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशली डिजाइन सॉइल प्रोब, सॉइल कोरिंग सिस्टम एंड यूमा टू रजलाइज्ड टैबलेट लोडेड विद द सॉइल। दिस आर द नेम्स, स्पेशली डिजाइन सॉइल प्रोब, सॉइल कोरिंग सिस्टम एंड यूमा टू रजलाइज्ड टैबलेट लोडेड विद द सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ ये सारी चीज़ें एडेड होती है, डेटा एनालिसिस एंड एक्यूएशन सॉफ्टवेयर। डेटा को एनालाइज करना और एक्यूसिएशन मतलब ऑब्जर्व करना, ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम में होती है। सो दैट इज़ नथिंग बट सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम का टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें सॉइल की इंफॉर्मेशन देता है अच्छे तरीके से फार्मिंग करने के लिए, और ये व्हीकल्स के साथ अटैच होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम्स होता है, गाड़ियों में लगा हुआ होता है। जो मशीनरीज होती है, अलग अलग एरिया की अलग अलग मशीनरीज आती है। नॉर्मली ATV यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑल ट्रेंस व्हीकल्स, बट डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स होते हैं। ये सिस्टम हमें जियो फिजिकल पुशिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम सॉइल की जाँच भी कर सकते, उसके अंदर के गुणधर्म, सिंचाई कैसे करना, ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बताता है। जल निकास कब करना, ज़मीन उपजाऊ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नथिंग बट जो हमें मदद करता है सॉइल की इंफॉर्मेशन देने के लिए। सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, जो मशीनरीज में अटैच होता है और एक्यूसिएशन भी करता है और इंफॉर्मेशन भी देता है। इंफॉर्मेशन देना मतलब ऑलरेडी जो उसके पास है, एक्यूसिएशन मतलब नया लेना, तो दोनों को कंबाइन करके हमें सॉइल का टेक्सचर बताता है, सॉइल की फर्टिलिटी बताता है, उसका 3D व्यू बताता है। और इसके पास जो सर्फर होता है, उसके पास इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जियोफिजिकल सिस्टम्स होते हैं, और इसके पास डेटा एनालिसिस एक्यूसिएशन सॉफ्टवेयर भी होता है जो इसके साथ अटैच होता है। तो सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम के पहले हमने पढ़ा ओके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम। तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो एग्रीकल्चर फील्ड में फार्मर्स को हेल्प करता है उनकी सारी चीज़ों को डेवलप्ड करने के लिए। सो दिस ऑल थिंग इज नथिंग बट अबाउट ICT विच वी हैव लर्न ओके वेरियस टॉपिक्स वी हैव डिस्कस इन द वीडियो सीरीज। सो अवर वीडियो सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओके सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने पढ़ा था डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम डेटा को डिलीट कट कॉपी मैनेज करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस पढ़े हमने, सेंट्रलाइज, ऑपरेशनल, एंड यूज़र, कमर्शियल, पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। फिर डेटाबेस डिज़ाइन और क्रिएशन देखा हमने, फिर उसके बाद यूज़ देखा डेटाबेस का एग्रीकल्चर फील्ड में, उसके ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट टू गवर्नमेंट, बेनिफिट टू फार्मर। फिर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पढ़ी हमने, भूस्थानिक जो यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। फिर उसके टाइप पढ़े, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजी जिसमें गूगल मैप लिया हमने। फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम देखा प्रीवियस लेक्चर में, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन दिलवाता है, सपोर्ट करता है फार्मर्स को। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम जो एक्सपर्टाइज वे से एग्रीकल्चर फील्ड को मदद करता है। सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉइल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है हमें। सो दिस ऑल अबाउट इज नथिंग बट अवर ICT। सो आई हैव फिनिश्ड अवर सिलेबस रिमेनिंग थ्रू द वीडियो ट्यूटोरियल्स, और इसके पहले का हमने तो क्लास में ही पढ़ा था। ओके, हैव अ नाइस स्टडीज अबाउट द एग्जाम, हैव अ नाइस प्रिपरेशन ड्यूरिंग अ लॉकडाउन, बी सेफ एट होम। ओके, कम्प्लीट योर सिलेबस, आई हैव कम्प्लीटेड योर ऑल थिंग्स ड्यूरिंग अ लॉकडाउन, हैव अ नाइस डे एवरीवन।